मुरादाबाद में महिलाओं और बेटियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक डिजिटल स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका और नगर विधायक की पत्नी अल्पना रितेश गुप्ता ने किया। नगर विधायक की धर्मपत्नी अल्पना रितेश गुप्ता ने फीता काटकर डिजिटल हब का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए संचालिका ने बताया कि आज से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते हमने अपने ऑफिस में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि ये हमारे शहर का पहला डिजिटल मार्केटिंग स्कूल है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है। महिलाएं बेटियां जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से घर बैठे अपना रोजगार कर सकती हैं। इसका प्रायोजन है महिलाओं को, बेटियों को, शहर की, मुरादाबाद शहर की, उनको आगे बढ़ाना, उन्हें डिजिटल इंडिया और डिजिटल जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताना। ये एक बहुत बड़ा हब खुला है यहाँ, जो शिखाइना द्वारा खोला गया है। इसमें एक सशक्त नारी, सशक्त महिला, सशक्त माँ, सशक्त बेटी और सशक्त जो और भी जो माएँ हैं या बेटियाँ हैं, उनको एक सशक्त भारत का उदाहरण देना है यहाँ पर आकर, और उन्हें बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। सिखाइना द्वारा, सिखाइना ने पूरी तैयारी की हुई है अपने इस ऑफिस में कि जो लड़कियाँ या बेटियाँ घर से नहीं निकल पाती हैं और रोज़गार करना चाहती हैं, उनके पास कमाई का या कुछ आय का कोई साधन नहीं होता है, वो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। कोई भी बिटिया बेरोजगार नहीं रहेगी, कोई भी महिला बेरोजगार नहीं रहेगी, वो घर से इस डिजिटल प्रोग्राम को सीखकर, इस संस्था में सीखकर वो घर से भी अपना कोई भी व्यापार कर सकती है। यहाँ पर ये सारा सिखाया गया है। मोदी जी का भी यही सपना है कि कोई भी बेरोजगार ना रहे। तो डिजिटल के लिए क्या कहेंगे आप, आज ये इतना एक अच्छा स्टेप किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? डिजिटल इंडिया के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन गहराई से कोई नहीं जानता कि हमें इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। लोग बस ये कहते हैं कि मोबाइल पर मत देखो, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन डिजिटल इंडिया के लिए जो हमें जानना है, वो हमारे शिखाइना के इस ऑफिस में आकर, जो उन्होंने जो संस्था खोली है उसमें आकर ही हम अच्छे से सीख सकते हैं। हमें आधी अधूरी जानकारी तो होती है जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि हमें पूरी जानकारी चाहिए तो हमें इस कैंपस में आना होगा और यहाँ बहुत कुछ सीखना होगा। यहाँ 5 लोगों का स्टाफ है जो हमें शहर के सब लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि वो लोग यहाँ आए, सीखें, और शिखाइना से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो अपना आप रोजगार भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं और बेटियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।